जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि जो संध्या डाला कोटी है उनका टिकट काटकर पूर्व मंत्री को दिया गया जो हरीश रावत हैं, और अब कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। क्या जो संध्या डाला कोटी है जब वो अलग से चुनाव लड़ रही हैं तो उसका असर क्या हरीश रावत पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जरूर मैम, देखा जा रहा है कि क्योंकि विगत कई वर्षों से संध्या डाला कोटी कांग्रेस पार्टी में जुड़ी हुई है और क्षेत्र के तमाम मुद्दों पर लगातार चर्चा करती हुई नजर आती हैं और जनता के बीच में रहती हैं। उनके कई समर्थक हैं जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरीश रावत जी के वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की मैं बात करूं तो ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी, जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। जी जी मैम, जरूर पड़ेगा असर, क्योंकि लालकुआ विधानसभा सबसे हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ पर जो पूर्व विधायक, जो अभी विधायक है, माफ कीजिएगा, वर्तमान में विधायक नवीन चंद दुमका को जो है इस बार टिकट नहीं दिया गया, उनके बदले डॉक्टर मोहन बिष्ट को टिकट दिया गया। और भाजपा के कद्दावर नेता जो कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में आगे देखे जाते पवन चौहान जी, वो भी निर्दलीय टार्गेट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं निर्दलीयों का भी यहाँ पर ताबड़तोड़ जो है समर्थन देखा जा रहा है। मोहन सिंह बिष्ट पर जनता कितना विश्वास जता पा रही है, और ये भी बता दीजिए कि कितने प्रतिशत वोट अब तक हो चुका है लालकुआ में? यहाँ पर मैं भी 12% के समथिंग यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। और बात करें मोहन सिंह बिष्ट की, बिष्ट जी की, तो वो लालकुआ से छटा हुआ क्षेत्र बिंदु कहता है, तो सुख दुख में हमेशा देखे जाते हैं जनता के बीच में। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी है कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका अच्छा खासा असर देखने के लिए मिल सकता है, इसका फायदा हो सकता है बिष्ट जी को। लालकुआ मैम असमंजस की स्थिति हुई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चतुर्थ कोणी मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो लालकुआ में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मैदान पे है, उनके भी कई समर्थक यहाँ पर जो है मैदान पे जुटे हुए हैं। चलिए, आम देखिए कांग्रेस और बीजेपी का तो साफ साफ नजर आता है कि कांटे की टक्कर नजर आती है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, और हमें ये देखकर आंखें नहीं बंद करनी चाहिए कि भले ही आम आदमी पार्टी जीते या ना जीते, लेकिन कहीं ना कहीं वोट कटवा पार्टी जो है वो उत्तराखंड में वो हो सकती है। इसका असर कांग्रेस को ज्यादा पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर लालकुआ की मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी किस तरह से नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जब भी उत्तराखंड दौरे पर तो उनके जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में देखे जा सकते। ठीक है, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, आपसे दोबारा से मैं संपर्क साधूंगी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दोबारा से संपर्क साधूंगी। अकील अहमद मंगलौर से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अकील, मंगलौर विधानसभा में किस तरह के हालात? मैं सबसे पहले आपको मौसम का हाल बताना चाहूंगा। मौसम मंगलौर में सुबह से ही धूप निकली हुई है और 8 बजे से यहाँ जो है मतदान शुरू हो चुका था, लेकिन मतदान तो मैं काफी उत्साह से, मैं 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारें मंगलौर में देखने को मिल रही है। मैं इस बार मंगलौर के बूथ पे खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सामने ही आपको देखा जा सकता है काफी महिलाएं भी यहाँ लंबी लंबी कतारों में देखने को मिल रही है और काफी पुरुष की भी लंबी लंबी लाइन हो रही है। शुरू से ही मंगलौर में जो है मतदान के लिए प्रति उत्साह देखा जा रहा है और अभी भी काफी तादाद में मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं।